हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फनल चेस्ट के बारे में। हमने पहले वीडियो बनाई थी बैरल चेस्ट के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी चेस्ट डिफॉर्मिटीज़ के ऊपर एक सीरीज़ चल रही है, जिस पे हमने बैरल चेस्ट के ऊपर पहली वीडियो बनाई और दूसरी वीडियो आज हमारी है फनल चेस्ट के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे फनल चेस्ट होता क्या है, फनल चेस्ट को डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और फनल चेस्ट का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है और फनल चेस्ट आपको किन किन परिस्थितियों में देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, फनल चेस्ट में होता क्या है, जो हमारा स्टर्नम है वो उसके लोअर पोर्शन में आपको डिप्रेशन देखने को मिलता है। स्टर्नम के लोअर पोर्शन में आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से चेस्ट का शेप आपको फनल की तरह देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से फनल चेस्ट का अपेयरेंस होता है, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक नॉर्मल चेस्ट और फनल चेस्ट। लोअर पोर्शन ऑफ स्टर्नम में डिप्रेशन आ जाएगा। इससे होता क्या है, देखिए, जब आपके लोअर पोर्शन ऑफ स्टर्नम पे डिप्रेशन आता है, जिससे आपका हार्ट और जो ग्रेट वेसल्स हैं वो कंप्रेस होती है, जिस कंडीशन में आपको डिफेक्टिव हार्ट साउंड्स सुनने को मिलेंगे, जिसको हम मर्मर भी कहते हैं। बेसिकली किन कंडीशंस में आपको फनल चेस्ट देखने को मिलता है, रिकेट्स और माफन सिंड्रोम के अंदर आपको फनल चेस्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, जब डॉक्टर्स आपको फिजिकल अपीयरेंस आपकी देखेंगे तो आपको फिजिकल अपीयरेंस में लोअर पोर्शन ऑफ स्टर्नम पे डिप्रेशन देखने को मिलेगा, तो आप फिजिकली असेस कर सकते हैं पेशेंट को, फिजिकली डायग्नोस कर सकते हैं ऑब्जर्व करके कि उसको फनल चेस्ट है या नहीं है। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, दोस्तों सर्जरी के ज़रिए से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर सर्जरी करके फनल चेस्ट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो डिप्रेशन आपके स्टर्नम में आया हुआ है उसको पुल आउट करके नॉर्मल पोजीशन में लाया जाता है सर्जरी करके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया फनल चेस्ट के बारे में, साथ ही हमने बैरल चेस्ट के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर जाके हमारी जो चेस्ट डिफॉर्मिटीज़ की सीरीज़ है उसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमने बैरल चेस्ट के बारे में बताया, फनल चेस्ट के बारे में बताया, फनल चेस्ट जिसको पेक्टस एक्सेवेटम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम आपको पिजन चेस्ट के बारे में बताएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।